अभी आपको हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि आपको मिल्किंग मशीन के रबर लाइनर कैसे चेंज करने हैं, और ये चार रबर लाइनर चेंज करने होते हैं जब भी मशीन के अंदर आपने रबर लाइनर चेंज करने हैं। तो ये शेल्स हैं, शेल्स में से लाइनर कैसे निकालने हैं आपको, और क्लॉ में कैसे लगाने, और शेल में वापस नए लाइनर कैसे लगाने हैं। सबसे पहले आपने इसके लाइनर को निकालना है। पहले शॉर्ट पल्स ट्यूब आपने डिस्ट्रीब्यूटर में से निकाल ली, उसके बाद आपको रबर लाइनर में से ये लाइनर हटा लेना है। अब लाइनर हटाने के बाद आपको पुराने लाइनर को इस गिलास में से निकालना है। पहले आपने इसका जो हेड है थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है, और ये जो लॉक है इसको इस शेल का जो सुराख है इसमें धक्का मार के अंदर कर देना है। अभी इसके बाद ये लाइनर आपका बाहर निकल आएगा, और जब नया लाइनर डालना है तो वो आपको कैसे डालना है अभी मेरे, ये समझिए नया लाइनर है। नया लाइनर आपने इस तरीके से इसमें डाला, और इसका जो लोअर होल है उसके अंदर से आपको इसको खींच के बाहर निकालना है। उसके बाद इसके हेड को आपने दबा करके अंदर कर लेना है, और जो लॉक है जो लाइनर के अंदर बना हुआ लॉक है उसके अंदर आपने खींच के उसको डाल लेना है। ये लॉक शेल के अंदर लग गया है, आपने ध्यान देना है कि ये लॉक प्रॉपरली आ जाए। दूसरा, ये जो एरो है लाइनर के ऊपर अंदर ट्विस्ट ना हो उसके लिए एक एरो ये और एक एरो इसके सामने बना हुआ है, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि ये आमने सामने होने चाहिए दोनों एरोज। और वापस लाइनर बदल के आपने मिल्क क्लॉ के अंदर लगाना है। अभी मेरे साथी आपको दिखाएंगे, ये आपने पूरी तरीके से इसको धक्का दे के अंदर चढ़ाना है, और शॉर्ट पल्स ट्यूब को डिस्ट्रीब्यूटर में लगा देना है। और इसी प्रकार से आपने चारों को सेट कर लेना है।